नगर पालिका परिषद बिरसिंहपुर पाली में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आनंद उत्सव कार्यक्रम में महिलाओं एवं युवतियों ने रंगोली, मेहंदी एवं कुर्सी दौड़ का आयोजन किया। देखिए यह खास रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद बिरसिंहपुर पाली में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आनंद उत्सव कार्यक्रम में नगर की महिलाओं व बेटियों के लिए रंगोली, मेहंदी एवं कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया, तो वहीं पुरुष वर्ग के लिए कुर्सी दौड़, बूरी दौड़, 100 मीटर, नींबू चम्मच रेस सहित अनेक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका उपाध्यक्ष रामधनी प्रधान, पार्षद बहादुर सिंह, सुदामा विश्वकर्मा एवं CMO आभा त्रिपाठी के द्वारा माँ बिरासिनी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। आज हमने नगर पालिका परिषद पाली के द्वारा आयोजित आनंद उत्सव के कार्यक्रम में हम सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें बहुत से खेल खेले जा रहे हैं, कबड्डी, खो खो और नींबू चम्मच रेस, जिसमें हमने बहुत सी खेलों में भाग लिया है और विजय भी प्राप्त की है। और मैं नगर पालिका पाली से यही उम्मीद करूँगा कि हर वर्ष इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि नगर में एक चहल पहल बना रहे और खेल मनोरंजन की भावना जो है वो जगती रहे। मध्य प्रदेश शासन आनंदम विभाग के निर्देशानुसार आज पाली नगरी क्षेत्र में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय आयोजन में नगरी क्षेत्र पाली के आम जन, हमारे जनप्रतिनिधि और समस्त नागरिकों ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया और तमाम पारंपरिक खेल जैसे बोरा रेस, नींबू चम्मच रेस और कबड्डी और महिलाओं के लिए रंगोली, मेहंदी और म्यूजिकल रेस, इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आनंद उठाया। यहाँ मैं रंगोली और मेहंदी में कंपटीशन में भाग ली हूँ। यहाँ नगर पालिका द्वारा बहुत से अन्य और प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही नगर पालिका और प्रोग्राम कराते रहे, बच्चों का मनोरंजन होता रहे। इस कार्यक्रम में नगर के सैकड़ों प्रतिभागी शामिल हुए, जहां अच्छे प्रदर्शन को चिन्हित कर अतिथियों द्वारा शील्ड, मेडल व प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। MP News TV के लिए उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट।